गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो. इन टूडेज वीडियो वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 13, डाउन द रैबिट होल. दिस वीडियो इज पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर. सो दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय लुइस कैरोल. लुइस कैरोल इज अ राइटर ऑफ दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट दिस चैप्टर इज अबाउट अ 7 ईयर्स ओल्ड गर्ल एलिस. ये जो चैप्टर है वो 7 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम है एलिस. एलिस वॉज सिटिंग विथ हर सिस्टर एंड शी वॉज ट्राइंग टू सी वॉट हर सिस्टर वॉज रीडिंग. सो यहाँ पे एलिस एंड उनकी सिस्टर एक जगह पे बैठती हैं एंड यहाँ पे एलिस कोशिश करती हैं कि देखे वो कि उनकी सिस्टर क्या रीड कर रही हैं. एलिस वॉज नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट इन दैट बुक, बट एलिस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं जगता है जब वो उस बुक को देखती हैं जो उनकी सिस्टर रीड करती हैं, बिकॉज दैट बुक वॉज नॉट हैविंग एनी पिक्चर और कन्वर्जेशन रिटन ऑन इट. एंड जब वो उस बुक को देखती हैं देन उस बुक को देख के उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जगता है कि वो उस बुक को पढ़ें, बिकॉज ना ही उस बुक में कोई पिक्चर्स थी ना ही कोई कन्वर्जेशन लिखा हुआ था. सो मोस्टली हमें ऐसी ही बुक्स अच्छी लगती हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स हो, डिफरेंट पिक्चर्स हो, डिफरेंट कन्वर्जेशंस लिखे हों. सो सिमिलरली एलिस को भी ऐसी ही बुक अच्छी लगती है, बट उन्हें अपनी सिस्टर की बुक देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एंड देन ही वॉज सेइंग देन शी वॉज सेइंग दैट वॉट वॉज द यूज़ ऑफ दैट बुक. इस बुक का यूज़ ही क्या है जब ना ही इसमें कोई पिक्चर है, ना ही कोई कलर्स हैं, ना ही कोई कन्वर्जेशन लिखे हैं. देन वॉट वॉज द यूज़ ऑफ इट. देन उसका यूज़ कुछ भी नहीं है, ना ही हमें रीड करना चाहिए. एंड देन वी हैव सीन दैट एलिस वॉज हैविंग नो वर्क टू डू. ओके, सो एलिस वॉज फ्री, शी वॉज हैविंग नो वर्क टू डू एंड इट वॉज अ हॉट डे. सो शी वॉज फीलिंग स्लीपी एंड स्टूपिड. सो शी थॉट टू मेक अ डेजी चेन. देन एलिस के पास कोई भी काम नहीं रहता है करने को एंड वो बहुत हॉट डे रहता है. सो उसे बिल्कुल स्लीपी जैसा फील होता है, नींद उसे आती है. एंड उसने सोचा कि लेट्स मेक अ डेजी चेन, कि हम एक डेजी चेन बनाते हैं, डेजी फ्लावर्स की एक माला बनाते हैं. सो फॉर दैट शी वॉन्ट अ डेजी फ्लावर. अगर आप कोई माला बनाओगे फूल की, देन पहले यू नीड अ फ्लावर. ओके, सो सिमिलरली डेजी एलिस वॉन्ट डेजी फ्लावर्स टू मेक डेजी चेन. सो उसे डेजी फ्लावर्स चाहिए थे सो दैट वो डेजी चेन्स बना सके, डेजी फ्लावर्स की माला बना सके. एंड सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट विथ पिंक आइज रैन क्लोज बाई हर. सो जब वो ये सारी चीज़ें सोचती हैं देन सडनली अचानक से वहाँ पे एक वाइट रैबिट आता है एंड द आइज ऑफ दैट रैबिट वॉज पिंक. ओके, सो इन नेक्स्ट वी हैव सीन दैट एलिस वॉज वेरी सरप्राइज टू सी रैबिट वेयरिंग वेस्ट कोट एंड वॉच. सी वॉन्टेड टू नो अबाउट मोर अबाउट दैट रैबिट. सो सी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट रैबिट. ओके, सो जब एलिस ने उस रैबिट को देखा सो शी वॉज वेरी सरप्राइज. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई एंड बिकॉज दैट रैबिट वॉज वेयरिंग अ वेस्ट कोट. जो रैबिट था उसने एक वेस्ट कोट पहना था एंड ही वॉज हैविंग अ वॉच एंड उसके पास एक वॉच थी. सो ये सारी चीज़ें देख के एलिस को और क्यूरोसिटी हुई कि वो और भी कुछ जाने उस रैबिट के बारे में. सो एलिस स्टार्टेड फॉलोइंग दैट रैबिट. उसके बाद ये सारी चीज़ें देख के एलिस उस रैबिट को फॉलो करने लगी कि ताकि वो और उस रैबिट के बारे में जान सके. एंड वॉट हैपन देन, एंड एलिस वॉज फॉलोइंग रैबिट सो शी ऑल्सो डायरेक्टली वेंट डाउन द होल वेयर द रैबिट वॉज लिविंग. सो एज यू नो दैट एलिस वॉज फॉलोइंग दैट रैबिट. एलिस उस रैबिट को फॉलो कर रही थी. सो एलिस भी उस रैबिट के साथ उस रैबिट होल में चली गई जहाँ पे रैबिट रहता था. दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिस है वो भी उस होल में फॉल हो गई, वो भी उस होल में गिर गई. एंड अकॉर्डिंग टू एलिस शी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट. एलिस पूरी तरीके से वहाँ पे लॉस्ट हो चुकी थी.
शी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हर फैमिली, ना ही वो अपनी फैमिली के बारे में सोची, जस्ट उस रैबिट को फॉलो करते हुए चली गई। एंड देन वो एक बहुत बड़े से होल में गिर गई, और अकॉर्डिंग टू एलिस, उसे एलिस को ऐसा फील होता था कि वो बहुत बड़ा वेल जैसा है, कुएं जैसा है, टनल जैसा है, मीन्स सुरंग जैसा है। एंड देन वी हैव सीन दैट जब एलिस उस जो होल था, जो वेल था, उसमें जब गिर रही थी, देन वो बहुत स्लोली गिर रही थी, बहुत धीरे धीरे गिर रही थी। एंड देन उस टाइम में वो सोच रही थी कि मैं जिस होल में हूँ वो होल कैसा है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क था। सो फिर भी उसने कुछ कुछ चीज़ें देखी अपने आसपास एरिया में। एंड देन ही सॉ दैट देयर वॉज अ कबर्ड, वहाँ पे होल में कबर्ड्स थे, बुक शेल्फ्स थी, पिक्चर्स थी, मैप्स थे। एंड उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक जार भी था, जार में जैम रखी थी, एंड इट वॉज लेबल्ड एज ऑरेंज मार्मलेड। वहाँ पे एक जार रखा था जिस पे लेबल था, उस पे लिखा हुआ था ऑरेंज मार्मलेड, ये एक काइंड ऑफ जैम है। सो वहाँ पे एलिस उस जैम को निकालती हैं, एंड जब उसे ओपन करती हैं, देन वो देखती हैं कि वो जो जार है वो बिल्कुल खाली रहता है। सो ये देख के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं। एंड देन एलिस उस जार को फिर से किसी कबर्ड में रख देती हैं, किसी शेल्फ में रख देती हैं, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है अगर इस जार को मैं ऐसे ही फेंक दूंगी, देन मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी तो मैं जस्ट होल में गिर रही हूँ, मीन्स अभी मेरा गिरने वाला पोजीशन है, सो हो सकता है मेरे जो नीचे हैं उसके सर पे उसे चोट लग सकती है, या कोई भी होगा उस होल के अंदर, देन उसे चोट लग सकती है। सो इसीलिए एलिस ने वहीं आसपास जो कबर्ड थे या जो बुक शेल्फ थे वहाँ पे जार को रख दिया। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 109, सेकेंड पैराग्राफ। वेल थॉट एलिस टू हर सेल्फ, आफ्टर सच अ फॉल एज दिस आई शैल थिंक नथिंग ऑफ टम्बलिंग डाउन स्टेयर्स। हाउ ब्रेव दे ऑल थिंक मी एट होम, वाई आई वॉन्ट से एनीथिंग अबाउट इट इवन इफ आई फेल ऑफ द टॉप ऑफ द house. So here Alice was feeling very proud. Okay, so in these line Alice was having very means Alice was feeling very proud as she was alone. यहाँ पे Alice को बहुत feel होता है, बहुत proud feel होता है कि वो alone है, and she is doing something new, and वो कुछ नया कर रही हैं. So her family would think that she is a brave girl. सो उनको ऐसा फील होता है कि वो यहाँ पे अकेले हैं एंड कुछ नया काम कर रही हैं। सो अगर उनकी फैमिली को ये पता चलेगा देन वो बहुत अच्छा फील करेंगे, एंड दे विल थिंक दैट जो एलिस हैं वो एक ब्रेव गर्ल है। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, डाउन 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 वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड। सो नाउ हियर द ऑथर हैज़ रिटन दीज लाइन्स दैट डाउन 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 would the fall never come to an end. That means here Alice is saying that whether the fall is going to end or not. यहाँ पे Alice को feel होता है कि whether ये जो fall है ये कभी end होगी कि नहीं होगी, कि just मैं ऐसे गिरती ही रहूँगी, क्या ये कभी fall end नहीं होगी। I wonder how many miles I have fallen by this time, she said aloud. फिर यहाँ पे एलिस बहुत लाउडली बोलती हैं, I wonder, मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कितने माइल्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। दैट मीन्स मैं कब से फॉल कर रही हूँ और अभी तक मेरा फॉल एंड नहीं हुआ है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिए, काफ़ी माइल्स मैंने कवर कर लिए हैं। I must be getting somewhere near the center of the earth. So now here Alice is saying that, means here Alice is saying that I think. Now Alice think that he must be at the center of the earth. यहाँ पे Alice को feel होता है कि मैंने इतने miles cover कर लिए हैं, so maybe ऐसा हो सकता है कि मैं earth के center पे हूँ अभी। Let me see, that would be 4,000 miles down, I think. So now he is just doing an estimation. यहाँ पे एलिस जस्ट एक एक्सटीमेशन कर रही हैं, जस्ट एक कैलकुलेशन कर रही हैं कि मे बी उन्होंने अभी अराउंड
4,000 miles cover kiye hain. For you see, Alice had learned several things of sorts in her lessons in the schoolroom and thought this was very good opportunity for showing off her knowledge, as there was no one to listen to her. Still, it was good practice to say it over, yes, about the right distance. But when I wonder what latitude or longitude I have got to, that means यहाँ पे Alice ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी अपने क्लासरूम में, जो भी नॉलेज उसने कलेक्ट किया था अपने क्लासरूम में, सो नाउ शी इज शोइंग ऑल हर नॉलेज, वो सारे अपने नॉलेज को यहाँ पे शो कर रही हैं, डिस्टेंस बता रही हैं कि अभी तो मैंने इतने डिस्टेंस कवर कर लिए, अभी भी मैं फॉल कर रही हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है मैं अर्थ के सेंटर पे हूँ. एंड यहाँ पे एलिस ने टू वर्ड्स यूज़ किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जस्ट यूज़ करने का रीज़न सिर्फ ये है कि जस्ट वो बस दिखाना चाहती हैं कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, बट उन्हें खुद भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता क्या है. बस वो जस्ट ऐसे बोल रही हैं और ना ही वहाँ पे कोई है उनको सुनने के लिए कि वो सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. एलिस हैज़ no idea what latitude was or longitude either. So Alice was not having any idea. Alice को बिल्कुल भी idea नहीं था कि latitude क्या होता है and longitude क्या होता है. But thought they were nice grand words to say. That means here Alice ने latitude and longitude words सिर्फ इसलिए use किया because ये काफ़ी attractive words थे and grand words थे. So उसने simply just use कर लिया, but उसे खुद भी नहीं idea है कि what is latitude and longitude. Now see the next line. Down, down, down. There was nothing else to do. So Alice soon began talking again. So now again the fall is not ending. Okay, down, down, down. That means here Alice was saying that the fall was not ending. जो fall थी वो अभी भी continue है, अभी भी Alice fall हो रही है. So यहाँ पे Alice फिर से अपने आप से बातें करती हैं. Now turn your page to page number 110. Dinah miss me very much tonight. So here Dinah is a cat of Alice. Dinah Alice की cat का नाम है. Dinah miss me very much tonight. So here Alice is saying that जो Dinah है, जो उनकी cat है, वो उन्हें बहुत miss कर रही होगी. I should think Dinah was the cat. So here Alice was thinking that her cat was missing her. I hope I will remember her saucer of milk at tea time. So here saucer means a small round plate, एक small round plate होती है. So here Alice was saying that her family members will remember to give him a milk in their tea time. That means यहाँ पे Alice बोल रही हैं कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें बिल्कुल याद होगा कि Dinah को मिल्क देना है जब वो अपने टी टाइम पे बैठेंगे, चाय पीने बैठेंगे, देन उनको ज़रूर याद आएगा कि Dinah को भी हमें मिल्क देना है. Dinah माई डियर आई विश यू वर डाउन हियर विथ मी. सो हियर Alice वॉज सेइंग दैट आई विश, काश ऐसा होता कि Dinah तुम भी मेरे साथ अभी होती जब मैं फॉल हो रही हूँ. There are no mice in the air. यहाँ पे अभी कोई भी mice नहीं है air में. That means यहाँ पे कोई भी चूहे नहीं है air में, because अभी भी Alice just fall हो रही है उस hole में. I am afraid, but you might catch a bat. There is very like a mouse. That means here Alice is saying that कि air में कोई भी rat नहीं है, कोई भी चूहे नहीं है, but there are bat. यहाँ पे bat हैं and they are also like a mouse. And जो bat है वो भी mouse के ही तरह हैं, you know. But do cat
eat bats, I wonder. So here Alice is saying that, but do cats eat bat? क्या cat जो होती हैं वो bat को भी eat करती हैं? I wonder. मैं सोचती हूँ. And her Alice and here Alice began to get rather sleepy and went on saying to herself in a dreamy sort of way, do cat eats bat? सो यहाँ पे एलिस को स्लीपी फील होता है, नींद जैसा फील होता है. एंड देन वो नींद में ही बोलती हैं, डू कैट्स ईट बैट? क्या कैट्स ईट करते हैं, खाते हैं बैट्स को? या डू कैट ईट्स बैट? सो सिमिलरली वो ये सारे वर्ड्स बोलती हैं नींद में. नाउ एंड समटाइम्स डू बैट्स ईट कैट? एंड कभी कभी वो बोलती हैं, क्या बैट कैट्स को खाते हैं? फॉर यू सी as she could not answer either question, it did not much matter which way she put it. So यहाँ पे एलिस को स्लीपी फील होता है एंड देन वो क्वेश्चंस करती हैं अपने आप से, क्या कैट्स बैट्स को खाते हैं, या फिर जो बैट्स होते हैं वो क्या कैट्स को खाते हैं? एंड शी वॉज नॉट नोइंग द आंसर, एंड उन्हें आंसर बिल्कुल भी नहीं पता था. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, शी फेल्ट दैट शी वॉज डोजिंग ऑफ. Dozing off means falling asleep, and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah. And then वो सपने देखती हैं कि जो वो उनकी जो cat रहती हैं उनके साथ वो walk करती हैं. And saying to her very earnestly, here यहाँ पे Alice is saying to her cat, and अपने वो cat से बोलती हैं बहुत serious manner में. Earnestly का मतलब होता है सीरियस मैनर. नाउ डाइना टेल मी द ट्रूथ. सो नाउ हियर एलिस इज आस्किंग टू हर कैट दैट डाइना नाउ टेल मी द ट्रूथ, मुझे बिल्कुल सच बताना. डिड यू एवर ईट अ बैट? क्या तुमने कभी बैट को खाया है? व्हेन सडनली थप थप डाउन शी केम अपॉन अ हीप ऑफ sticks and dry leaves and the fall was over. So now after some times there was a sound like thup thup. Down she came upon a heap of sticks and dry leaves and the fall was over. So yahan pe Alice gir jati hain, एंड जब वो फॉल होती हैं देन वो गिरती हैं, ढेर सारी एक स्टिक रहती हैं एंड वहाँ पे ड्राई लीव्स रखे रहते हैं उसके ऊपर गिरती हैं. एंड नाउ द फॉल वॉज एंडेड, एंड जो उनकी फॉल थी वो यहाँ पे एंड हो जाती है. सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. सो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अ नॉट अ रियल स्टोरी, ये कोई एक रियल स्टोरी नहीं है, जस्ट ये एलिस की जस्ट उनकी थिंकिंग है. ये कोई मीन्स रियल स्टोरी नहीं है, ओके, जस्ट ये फैंटेसी है. सो हियर इन दिस चैप्टर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर दैट एलिस सॉ अ वाइट रैबिट, यहाँ पे एलिस एक वाइट रैबिट को देखती हैं एंड शी वॉज अट्रैक्टेड विद दैट रैबिट, एंड वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाती है उस रैबिट को देख के बिकॉज की ड्रेस बहुत अट्रैक्टिव रहती है. ही वॉज वेयरिंग अ वेस्ट कोट, उनके पास एक वेस्ट कोट था उस रैबिट के पास, एंड क्लॉक थी. सो ये सारी चीज़ें देख के एलिस बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं एंड एलिस स्टार्टेड फॉलोइंग दैट रैबिट, एंड वो उस रैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं. सो एलिस फॉल डाउन फॉलोइंग द वाइट रैबिट, एंड देन एलिस जो है वो भी फॉल हो जाती हैं रैबिट होल में जब वो फॉलो करती हैं वाइट रैबिट को. एंड एलिस वॉज trying to find out the things in the well and she was interested to know about everything, and jab wo fall hoti hai us well mein means us hole mein, and then wo find karti hai ki unke aas pass jo area hai wo kaisi area hai, and wo unko unke andar aisa feel hota hai means wo aas pass ki jo bhi area hoti hai wo sochti hai ki wo sari cheeze dekh le, sari cheezon ke bare mein jankari le le. So now I will end this class. Your homework for today is to read this chapter and write the question answers in your FAIR literature copy. Thank you, students. Have a nice day.